ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.8 का है. सब टॉपिक डेट इज़ द एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब वेस्ट प्रोडक्ट्स से हम किस तरह से एनर्जी गेन कर सकते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन एनिमल डंग्स हो सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, सीवेज का जो हमारा निज़ाम होता है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो गार्बेज है यानी कूड़ा करकट है उसको यूज़ करते हुए हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करवा सकते हैं. तो दीज आर ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो किस तरह से एनर्जी इस तरह हासिल की जाती है? तो जब भी हमने वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी लेनी होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कम्बस्शन करते हैं. डायरेक्ट कम्बस्शन का मतलब क्या है कि हम एक चैम्बर लेते हैं, ठीक है, उस चैम्बर में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं और उस चैम्बर को ऊपर से बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, ठीक है. क्लोज करने के बाद क्या किया जाता है, इसको जो है वो इसमें बर्न किया जाता है. मटीरियल को बर्न करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, अंदर बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी स्टीम की फॉर्म में और सम गैसेस की फॉर्म में यहाँ पे कुछ एनर्जी फॉर्म होती है. उस एनर्जी को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ हॉल करवा के जो है वो बाहर निकालते हैं. वो स्टीम की फॉर्म में भी हो सकती है और वो किसी गैस की फॉर्म में भी हो सकती है. तो इस तरह से हम वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी जो है वो ले लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी. तो देखते हैं कि हम एनर्जी जो है यानी जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है और वो कैसे हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. जियो थर्मल वर्ड सिंपली क्या शो कर रहा है, जियो थर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होगी, जियो मीन्स अर्थ, यानी ऐसी एनर्जी जो कि हम अर्थ से गेन करते हैं वो क्या कहलाएगी, हमारी जियो थर्मल एनर्जी कहलाएगी. कैसे गेन की जाती है उसको हम इसी टॉपिक में जो है वो स्टडी करेंगे. बेसिकली हमारी जो अर्थ होती है वो खुद एक एनर्जी का बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मटेरियल्स डाले हुए हैं हमारी अर्थ के निचली तहों में जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. उनमें से मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके पर अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अर्थ की इंटरनल सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के नीचे हॉट रॉक्स मौजूद होती हैं, ठीक है, रॉक्स मौजूद होती हैं. सिंपली आप ये समझ लें, ये जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, ये कुछ ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं, यूजुअली मे बी ये फॉस्फोरस से बनी हो, ठीक है. तो इनके अंदर ये जो रॉक्स जिन मटेरियल से बनी होती हैं, अगर तो वो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो 82 या उससे बड़ा होगा तो क्या होता है, इन एलिमेंट्स में ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. यानी वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो उनके जो पेरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं, किसमें, अपने डॉटर एलिमेंट्स में, ठीक है. और डॉटर एलिमेंट्स में जैसे ये कन्वर्ट होते हैं तो बहुत सी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है. तो एक एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट से दूसरे डॉटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना ही रेडियो एक्टिव डिके होता है. तो इससे हमें बहुत सी एनर्जी मिल रही होती है. इस एनर्जी को हम जो है वो बाहर अर्थ के थ्रू जो है वो बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करवा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम भी करवा सकते हैं, ठीक है. या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़ेर ज़मीन अगर हमारे पे फॉस्फोरस रॉक्स मौजूद हैं तो उन फॉस्फोरस रॉक्स के ऊपर हमें जो है वो पानी के चश्मे नज़र आते हैं, ठीक है. और ऐसे चश्मे होते हैं जिनमें से गर्म पानी निकल रहा होता है, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं उन्हें, ठीक है. तो ये जो गर्म अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको हम स्टीम के तरह भी हासिल कर सकते हैं या फिर चश्मों की शक्ल में गर्म पानी भी इनसे हासिल किया जा सकता है. दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ. अब रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो वो भी देखते हैं. रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ, इस टॉपिक में जो है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है. अर्थ सरफेस के नीचे जो है वो क्या मौजूद है, यहाँ पे रॉक्स मौजूद होती हैं. और इसके भी नीचे क्या मौजूद होता है, ये अर्थ का बिल्कुल मेंटल पॉइंट होता है, कोर पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है, इसे कोर भी कहते हैं या फिर आप मेंटल भी कह सकते हो. ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर आपके जो यानी अल्लाह ताला ने किसी ना किसी खास मटीरियल से इस कोर को तैयार किया होता है और वो मटीरियल यहाँ पर बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है. यूजुअली यहाँ पे कौन से रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, जिनके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट एनर्जी
प्रोड्यूस होती है. अब ये हीट एनर्जी जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, ये एनर्जी जो है यहाँ पे, ये आपका पूरा जो सिस्टम है इसे हम मैग्मा भी कहते हैं. ये बहुत हॉट यानी आपके पास मॉल्टन लिक्विड होता है. अब यहाँ से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो जाती है कहाँ पे, रॉक्स तक. और रॉक्स का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक. अब ये जो रॉक्स होती हैं ये ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे होती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा फासला नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, हम इस हीट एनर्जी को जो रॉक्स तक आई होती हैं उसको हम अर्थ की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं. वो किस तरह से पॉसिबल होता है कि उस एनर्जी को हम अगेन जो है वो स्टीम की फॉर्म में भी यहाँ से बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करवा सकते हैं. लेकिन अगर हम इसी टॉपिक में मज़ीद की बात करें, लास्ट जो हमारा कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स था तो उसी में हम इसको ही जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. कंप्रेशन ऑफ मटेरियल्स, तो अब यहाँ से आपको मज़ीद क्लियर होगा. कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ होना, स्क्वीज़ हुआ होना. तो यहाँ पे हमने देखा था मैग्मा कोर या मेंटल, आप इसे जो भी कहना चाहें, यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हुए होते हैं. मतलब यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होगी. अब इतनी ज़्यादा एनर्जी जब मिलती है तो ये ऊपर जो रॉक्स मौजूद होती हैं इनको भी टेम्परेचर को राइज कर देती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब दो पॉसिबल तरीके होते हैं, तो ये जो रॉक्स हैं ये भी कम्प्लीटली मॉल्टन फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, या ये भी यानी मेल्टिंग स्टेट में आ जाती हैं, या पॉसिबल होता है ये पार्शियल मॉल्टन हो, यानी थोड़ा मॉल्टन फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और थोड़ा सा सॉलिड बिहेवियर शो करें. तो ये क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. अब इस टेम्परेचर जो कि बहुत ज़्यादा है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जो ज़मीन के ऊपर से पहाड़ों में से चश्मे निकल रहे होते हैं जिनको आप स्प्रिंग्स कहते हो या फिर गीजर्स का नाम देते हो, इनमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, इनमें ये प्रोसेस होता है कि ये अंदर की हीट को एब्जॉर्व करते हैं और जो पानी पहाड़ों से निकल रहा होता है वो इंतहाई गर्म होकर जो वो निकलता है. एक तरीका तो ये होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि जो रॉक्स हैं ये अर्थ से थोड़ा दूर होती हैं, या आप ये जो है वो कंसिडर कर लो कि ये इनका डिस्टेंस थोड़ा सा जो है वो फार अपार्ट होता है. तो जो हमारा यानी ये स्टीम है यहाँ से जो हम निकलना चाह रही थी ऊपर, वो इतनी आसानी से ऊपर नहीं आ पाती. तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम ठंडे पानी को नीचे भेजते हैं और ये ठंडा पानी इन रॉक्स के ऊपर जैसे ही जाके मिलता है तो बहुत ज़्यादा हॉट अप हो जाता है. हॉट अप होने के बाद जो है ये पानी यहाँ से ऊपर आएगा और पानी जब गर्म होकर ऊपर आता है तो उसमें से स्टीम भी निकल रही होती है और फिर हम इस स्टीम एनर्जी को मज़ीद आगे प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं. सेम आपने ऐसे ही देखा होगा वॉल्केनोज होते हैं. वॉल्केनोज एक ऐसे पहाड़ होते हैं जिनमें लावा भरा होता है, यानी बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड मटेरियल होता है जो कि हीट और मॉल्टन मैटर की फॉर्म में बाहर आते हैं. तो वहाँ से भी हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, उसको भी हम जो है वो जियोथर्मल एनर्जी का ही नाम देते हैं.